अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुअज्जज़ मेहमान मेरे शेख प्रोफेसर अब्दुल रज़ाक साजद साहब हाफिज़हुल्लाह ताला अल्लाह इन्हां दे इल्म व अमल दे अंदर उम्र दे अंदर और तमाम मामलात दे अंदर बरकत फरमाए। मैं इन्हां दे खिताब तो पहला अपना एक नन्ना जा मेहमान पहले भी मुतारफ है मोहम्मद जैदुर रहमान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दोबारा सेहत दीती और बच्चे बच्चियां नू दोबारा चलदियां फिरदियां वेखदियां वालदैन दी खुशी दीदनी होया करदी है। और शेख उल मैं अगे भी गुजारिश कीती सी शेख दुआ करन कि इस इलाके दे जो नन्हे मुन्ने जवान ने अल्लाह इन्हां नू अपनी दीन दी सरबुलंदी वास्ते कबूल फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरियां भी खतावां नू माफ़ करके मेरी कमियां दूर करके अल्लाह मैनू भी अमल दी तौफीक अता फरमाए। और मैं दावत देना अपना नन्ना जा मुहम्मद जैदुर रहमान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलहम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला व रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फाऊजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़कुरु फिल किताबि मरियम अज़िन्तबदत मिन अहलिहा मकानन शर्किया। सदाकल्लाहुल अज़ीम हक सच दी करनी गल यारो हक सच दी करनी गल यारो झूठा लफज जुबान चो कढ़ना नहीं दिलो लानी है यारी हजूर दे नाल दिलो लानी है यारी हजूर दे नाल लाके बूटा प्यार दा वड़ना नहीं दुनिया रोस दी है सा जिधर उस जावे बुहा रब करीम दा सज सद छड़ना नहीं। हर किस्म दी हमदो सना अल्लाह रब्बुल इज्जत दी जात वास्ते है जो पूरी कायनात दा खालिक मालिक दाता गंज बख्श करीम नवाज है उस तो बाद अनगिनत लात दाद बेहद व बेहिसाब दरूद व सलाम रेत दे जर्रात तो बढ़ के दरखत दियाँ पत्तियाँ तो बढ़ के बारिश दे कतरात तो बढ़ के आमिना दे लाल चीमा दे वीर दुर्रे यतीम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दी जाते अक्दसो अथारो अल्लाह रब्बल वास्ते है। कुरान एक इनकलाबी किताब है कुरान नू अगर गौर दे नाल पढ़ लिया जाए या सुन लिया जाए तो इनकलाब आ जाएगा। हजरात दो हिजरतां मशहूर ने एक हिजरत हबश और हिजरत मदीना जदों मक्के वालिया ने मुसलमानों नू तंग किया जो इन्होंने तंग किया चंद सहाबा मेरे पैगंबर को आए और आ करके फरमाते ने सुनो अगर तुसी इजाजत दो तो असी इतों हिजरत करके कितने चले जाने हैं। मेरे पैगंबर ने कहा हिजरत तो कर जाऊंगे पर हिजरत करके जाना कितने। फैसला यह तय होया कि इतों हिजरत करके हबश अंदर चले जाने हैं। हबश का जरा बादशाह है ना वह नरम देले उठे चले जाने इतों तुर पे पिछों मक्के अंदर खप पै गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने हजरत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हा
ये हजरत अली दे बड़े भाई ने इन्हां नूं अपने कोल बुलाया है। बुला करके मेरे पैगंबर कहंदे ने जाफर मैं तेनू इस काफले का अमीर बना दिता है ते जदों भी तुसी हबश अंदर चले जाओ ते ताड़े कोलों कोई पुछ ले ताड़ा मुसलमान होण दी दलील की है ते सूरत मरियम याद कर जाओ ते ए उत्थे जा के सुना देना। इन्हां ने कहा जी ठीक है। इन्हां सूरत मरियम याद कीती है। ए चले जांदे ने मक्के वालियां नूं भी पता चल जांदा है कि इत्थों मुसलमान हिजरत करके हबश अंदर गए ने। ये जड़े काफर सी ये भी हबश अंदर जाते ने। जा करके हबश ते बादशाह नूं कहंदे ने बादशाह सलामत ओ जेरे बंदे तेरे इलाके दे अंदर आए ने ओ जेरे बंदे तेरे पिंड अंदर आए ने ये बंदे नहीं चंगे इन्हां नूं अपने शहर अंदरों कढ दे। इन्हां ने साडे मक्के दे अंदर भैणां तों भरा जुदा कर दिते ने वीरां तों वीर जुदा कर दिते ने बेटियां तों बाप जुदा कर दिते ने इन्हां नूं इत्थों कढ दे। बादशाह कहन लगा यार मैं बादशाह वां मैं उन्हां दा इंटरव्यू लैंदा वां मैं पता करदा वां फिर उन्हां नूं जे रखण वाले होए ते रख लांगे जे कढ़न वाले होए ते कढ दांगे। ते उस काफले दे अमीर नूं सद्दो मेरे हज़रत जाफर त्यार को पैगाम जांदा है कि सुबह बादशाह दे दरबार अंदर हाजिर होना है। इन्हां ने कहा जी ठीक है। सुबह बादशाह दा दरबार लगता है। हजरत जाफर त्यार बादशाह दे दरबार अंदर जांदे ने। बादशाह कहंदा है तुसी कित्थों आए हो। ये कहंदे ने असी मक्के अंदरों आए हाँ ते कातों आए हो सानू मक्के वालियां बड़ा तंग किया है तुहानू तंग कातों किया है क्योंकि असी कहंदे हाँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह असी कलमा पढ़दे हां असी एक अल्लाह दी इबादत करदे हां ताद सानू उथों कढ दित्ता गया है ना अल्लाहु अकबर अल्लाह। ये कहंदे ने अच्छा बादशाह कहंदा मैं तेरे कोलों चार सवाल करांगा जे उहनां दे जवाब तू सही दे दित्ते ते मैं तुहानू मन लवांगा मैं तुहाडे पैगंबर नूं भी मन लवांगा अल्लाहु अकबर अल्लाह। इहने पहला सवाल की कीता है कहिंदा जिहड़ा तुहाडा पैगंबर है ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ओहदे खानदान दे अंदर पहले भी कोई नबी गुजरिया है कि नहीं गुजरिया। ये कहिंदा है कहिंदे ने कोई नबी नहीं गुजरिया। ये कहिंदे ने ये भी ओहदे सच्चे होण दी दलील है। अगर जे तुसी कहिंदे कि ओहदे खानदान अंदर पहले भी कोई नबी गुजरिया है तो मेरे दिल दे अंदर ख्याल आंदा कि ये ओहदा कम नहीं चलिया होना ये अपना चलांदा पिया है अल्लाह अकबर अल्लाह। दूसरा सवाल उन्हें पूछा है कहिंदे जेरे तेरा पैगंबर है मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ओहदे जेरे साथी ने अमीर अमीर ने के गरीब गरीब ने ये कहिंदे ने असी ओहदे साथी हाँ ते असी ते गरीब गरीब ही हाँ। ये कहिंदे ने ओह भी सच्चे इहदी सच्चे होण दी दलील है। अगर जे तुसी कहिंदे ओहदे साथी अमीर अमीर ने ते मेरे दिल दे अंदर ख्याल आंदा कि ओह पैसे दे जोर ते अपनी नबूवत चलांदा पिया है ना अल्लाहु अकबर अल्लाह। ते आखरी सवाल की कीता है कहिंदा जिहड़ा तुहाडा पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम है ओहदे तों ओहदे ते कुछ नाजिल भी हुंदा है कि नहीं। ये कहिंदे ने हुंदा है ये कहिंदे ने हुंदा है। कहिंदे मेरे ज़हन अंदर फट आया कि मैं इत्थे सूरत मरियम सुना देवां। कहिंदे ने लो जी सुनो की नाजिल हुंदा है। इन्हां ने बिस्मिल्लाह पढ़ीए ते ओह जिहड़े मक्के वालों काफर आए ने ओ बादशाह नूं कहंदे ने बादशाह असी एड्डी दूरों सफर करके इस लिए ते इत्थे आए आ कि तू इन्हां दी गल नहीं सुननी तू इन्हां दी गल नहीं सुननी। ए पोला पोला करके सुना लेंदे ने ते जिन्ने सुन लिया ओह गया। बादशाह कहंदा है नहीं नहीं मैं कोई एवें जिहा बंदा वां मैं बादशाह वां मैं मैनूं सुनन दिओ ओह अपनी गल सुणांदा पिया वे। इन्हां ने बिस्मिल्ला पढ़ीए ते पढ़ के
इन्होंने सूरत मरियम पढ़नी शुरू कर दी। ये सूरत मरियम पढ़न लग पे ने बादशाह रोन लग पे आए। बादशाह रोई जाता है ते कई ते चुप कर गए, कई एक दूजे नू कोणियां मार के कहन जरा रोंदा पिया ये हुण गया, ये हुण गया। अल्लाहु अकबर अल्लाह। इन्होंने सूरत मरियम की तलावत खत्म की थी। बादशाह ने अपने आंसू साफ किए ने। बादशाह मक्के वाले अल मुखातब हो करके कहता है ओ चले जाओ इतों चले जाओ, मैं रब्बे कदूस की कसम खा करके कहना ना इन्हों की किताब झूठी हो सकती है, ना इन्हों का पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह झूठा हो सकता है। अल्लाहु अकबर अल्लाह। ना ये झूठे हो सकते ने, इन्हां दी ना किताब झूठी हो सकती है ना। अल्लाहु अकबर अल्लाह। अज साडे माशरे दे अंदर नवा ही रवाज चल गया है ना कि बच्चियां दे इम्तिहान आ जांदे ने, इन्हां नू घर भीयों छुट्टी करा ली जांदी है। ट्यूशन चले जाओ, अपने पेपर की तैयारी कर लो, अपने एग्जाम की तैयारी कर लो। ओ ना ना मेरे वीरा, तेरे बच्चियां दे इम्तिहान किदे अच्छे हो जाण, क्योंकि दुनिया की हर तलीम इतने कुरान के अंदरों निकली है। जिन्हें कुरान पढ़ लिया उन्हें फिजिक्स पढ़ ली, जिन्हें कुरान पढ़ लिया उन्हें मेडिकल पढ़ लिया, जिन्हें कुरान पढ़ लिया उन्हें बायो पढ़ ली, जिन्हें कुरान पढ़ लिया उन्हें मैथ पढ़ ली। कोई दुनिया की ऐसी तलीम हो ही नहीं सकती जेरी कुरान चो साबित ना हो। असी अज अरबी कुरान को छड़ के बैठे हाँ। साढ़े घर के अंदर साल के साल गुजर गए ने, कुरान अलमारियां दे अंदर बंद पए ने, कुरान अलमारियां दे अंदर बंद पए, कोई खोल के पढ़ नहीं सकता। अल्लाहु अकबर अल्लाह। मैं कोई खोल के कुरान नू पढ़ नहीं सकता, कुरान दे अंदर मिट्टियां जम गई ने। अल्लाहु अकबर अल्लाह। जो बच्चे शाम नू भी अरबी जाते ने, ये दस के जाते ने अब्बा असी अरबी चले हाँ, तो कुरान नू सीने दे नाल ला करके लैके जाते ने। ये जीरा कुरान है, आ जीरी किताब है। अब्बा जान साडे नाल लगे जानी है, इन्हें आखरत वाले दिन भी साढ़े काम आना है। और जो स्कूल जाते ने ये बैग पिछे पाते ने, तो दस के जाते ने आ जीरी तलीम है, ये तलीम इत्थे ही रह जानी है, ये किसे काम नहीं आनी। अल्लाहु अकबर अल्लाह। कुरान हकीम लसानी है, कुरान हकीम लसानी है, कुरान बिना बीमार है तू, कुरान बिना बीमार है तू, आ नबज दिखा बीमार है तू। कुरान हकीम लसानी है, साढ़े घरों के अंदर कुरान बंद पियां नू साल दे साल गुजर गए ने। अल्लाह मैनू ते तुहानू कुरान पढ़ने और सही मायनियां दे अंदर उहदी अमल करने की तौफीक ता फरमाए। वा आखिरु दाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हयक अल्लाह, अल्लाहुम्मा ज़िद फ़ज़िद। अल्लाह मज़ीद इल्म व अमल में बरकत फरमाए।